Hello, my friends. Welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So, dear friends, today in this video we are going to start our chapter 3rd of class 10. टू स्टोरीज अवर फ्लाइंग इन विच वी विल रीड टू स्टोरीज अवर फ्लाइंग ओके हम uh, जो उड़ने की जो दो स्टोरीज हैं हमारी हम वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एनकरेज किया किस तरीके से इन लोगों ने अपने फियर पर काबू पाया ओके द फर्स्ट स्टोरी इज रिटन बाय द फर्स्ट स्टोरी इज नेम इज़ हिज़ फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लाइम ऑफ फ्लैटी जो फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम है हिज़ फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसकी पहली जो फ्लाइट है पहली जो उड़ान है ये जो लाइम ऑफ फ्लैटी के द्वारा लिखी गई है द सेकेंड वन इज़ ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फोर्स सेकेंड है हमारी ब्लैक एरोप्लेन है जो फ्रेडरिक फोर्स के द्वारा लिखी गई है पहली बार में हम यंग सीगल की बात करते हैं जिसमें जो यंग सीगल होता है वो ट्राई करता है उड़ने की बट ड्यू टू हिज फियर ही ये नॉट एबल टू फ्लाई ठीक है वो उड़ नहीं पाता है उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स उसके सिस्टर्स उसको एनकरेज करते हैं कि वो फ्लाई करे वो अपनी पहली उड़ान भरे बट वो हर बार में क्या हो जाता है कि उसको डर लगता है कि कहीं उसके विंग्स उसको सपोर्ट ना करे और वो फेल ना हो जाए ठीक है तो एट लास्ट वो किस तरीके से अपनी पहली उड़ान भरता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे सेकंड है हमारी ब्लैक एरोप्लेन द स्टोरी इज अबाउट पायलट ही एक पायलट के बारे में स्टोरी है वो लॉस्ट इन द ब्लैक क्लाउड्स जो ब्लैक क्लाउड्स में जो गुम हो जाता है और फिर किस तरीके से एक जो ब्लैक एरोप्लेन है वो आता है और उसकी हेल्प करता है किस तरीके से वो वहाँ से सेव होता है ठीक है तो ये जो दो स्टोरीज हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आर वीडियो नाउ सो हेयज सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूम हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकअयरंग द स्काइज हेर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग क्योंकि बिल्कुल अर्लीस्ट टाइम से ही स्टार्टिंग से ही बिल्कुल शुरुआत से ही जो ह्यूमन बींग है उसका क्या ख्वाब रहा है क्या सपना रहा है कि वो हमेशा से ही जो स्काइज है जो आसमान है उसको कंक्वर करना चाहता था उसको जीतना चाहता था यानी कि वो अपनी उड़ान भरना चाहता था और ये जो दो स्टोरीज हैं हमारी ये फ्लाइंग के बारे में ही हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अंग सीगल इज़ अ फ्रेडी टू फ्लाई हाउ डज़ ही कंक्यर हिज फीयर एक जो यंग सीगल है वो उड़ने से डरता है और वो किस तरीके से अपने जो फियर है

The young seagull was alone on his ledge his टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर कि जो यंग seagull है वो बिल्कुल ही अकेला है अपने ledge पर अपने घर पर उस किनारे पर उस हॉल में जहाँ पर पे वो रहता है जहाँ पर वे पे वो खाता है बैठता है उठता है ठीक है वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला है और क्यों अकेला है क्योंकि उसके भाई बहन जो हैं वो पहले ही उड़ करके जा चुके थे वहाँ से एक दिन पहले ही हैड बिन अफ टू फ्लाई विद दैम और उसको उनके साथ उड़ने में बहुत ज़्यादा डर लगा था सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटल रन फॉरवर्ड टू द प्रिंक ऑफ द

डाउन माइल्स डाउन और वो देखता है कि उसके नीचे कितना अथाह जो समुद्र था इतना विशाल जो समुद्र था वो फैला हुआ पड़ा हुआ था जो मीलों दूरी तक है जो नीचे तक जाता था और वो डर गया एकदम से उसको देख करके कितनी कि गहराई है और अगर मैं इसमें गिर गया तो शायद मैं वापस ज़िंदा ना बच पाऊँ

नहीं दे पाते उनको उत्साहित नहीं कर पाते कि वो भी अपने पंख फड़फड़ाए और वो भी उड़ने की कोशिश करे ठीक है और यही चीज होती है कि जो उसको क्या कर देती है बहुत ज्यादा डेस्परेट कर देती है बहुत ज्यादा निराश कर देती है इस फादर एंड मदर हैड कम अराउंड उसके जो फादर हैं उसके जो मदर हैं वो उसके आसपास में आ रहे हैं ठीक है और क्या आ रहे हैं कॉलिंग हिम श्रीली उसको बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल ही कैसे हो तुम तुम बिल्कुल ही मतलब डर पोक हो तुम ठीक है डरे हुए हो इस तरीके से उसको अपड्रेडिंग करते हैं अपड्रेडिंग हिम यानी कि उसको वो उसको स्कॉल करते हैं उसको चाइड करते हैं ठीक है उसको रिब्यू करते उसको डांटते हैं वो उसको फटकार लगाते हैं कि उड़ो यहाँ से उड़ने की कोशिश करो एटलीस्ट अपने जो जिंग्स हैं उनको फ्लैप करो उनको फड़फड़ाओ उनको खोलो ठीक है थ्रेटिंग टू ले Him on his ledge he flew away. और उसको थ्रेटन धमकी देते हैं कि वो यहीं पर भूखा मर जाएगा इस लच पर ही अगर वो यहाँ से नहीं उड़ेगा तो बट फॉर लाइफ ऑफ हिम ही वो अपनी खुद की लाइफ के लिए भी से तस से मस नहीं हुआ बिल्कुल भी नहीं हिलाो दैट वॉज ट्वेंटी फोर आवर्स आ गो सिंस दैन ए नोवरी हैड कम नियर हिम और ये ट्वेंटी फोर आवर्स पहले था ट्वेंटी फोर आवर्स पहले था यानी कि चौबीस घंटे पहले की ये बात थी यानी कि उनको पूरा एक दिन हो चुका था उड़े हुए को अब उसके आस पास में कोई भी नहीं आया था The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to स्कीम the wave and how to dive for fish. और वो देख रहा था वहाँ पर दूर पर बैठे हुए अपने भाई को अपने बहन को अपने पेरेंट्स को कि किस तरीके से उसके जो पेरेंट्स हैं उनको सिखा रहे थे कि किस तरीके से उड़ना है आप लोगों ने किस तरीके से आपने है जो डाइव लगाना है किस तरीके से अपने पानी में जाना है किस तरीके से अपने आपको वेवस हैं जो जो लहरें हैं उनके अंगेस्ट अपने आपको स्ट्रॉन्ग करने है उनके अंगेस्ट खड़े होना है किस तरीके से फिर डाइव लगा करके अपने फिश को पकड़ना है ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ऑल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवर इट और उसने अपने भाई को देखा कि किस तरीके से उसने जो पहला कैच था जो पहली अपनी जो फिश थी उसने पकड़ी और किस तरीके से उसने जो उसने, जो उसको जो उसने जो उठाया अपनी चोट से उसको, उसको फाड़ना फूड़ना शुरू किया स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिस्पेन्ट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वर्कड अबाउट ऑन बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ ऑन्टिंग हिम विद हीज को और वो देखता रहा वहां पर बैठा हुआ कि उसकी पूरा की पूरी, पूरी जो फैमिली थी वो उसके आसपास उस रॉक पर है जो वो वहां पर खड़े हुए थे घूम रहे थे उसको, उसको पूरी पूरी जो जो पूरी पूरी बैठ गई थी जो उसके सामने था और उनको वो सिखा रही थी कि तुम कितने कोवर्ड एस हो कितने डरपोक हो तुम कितने कमजोर हो तुम ठीक है कि डरपोक हो वहां पर बैठे हुए हो ऐसे कैसे तुम हिलने की कोशिश नहीं कर रहे हो उसके जो जो भाई बहन है उनको वो ट्रेंड कर रहे थे कि आपने किस तरीके से उड़ना है और किस तरीके से क्या चीजें करनी है यानी कि उनको वो परफेक्ट कर रहे थे हर काम में The sun was now ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped uh, slowly out uh, out to the brink of the ledge and, standing on one leg with other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other. और वो अब जो आसमान में जो sky था, uh, sorry आसमान में जो sun था, वो क्या हो रहा था बिल्कुली ascending यानी कि वो अब बढ़ता जा रहा था उसका size था, ठीक है? वो उसको completely क्या कर रहा था? उसके legs पर उसके जो किरणें हैं, जो uh, थी वो आगे करके लग रही थी क्योंकि वो साउथ की तरफ जा चुका था जो सूरज था हमारा और जो हमारा सीगल था उसको बहुत ज्यादा हीट लग रही थी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था प्रीवियस नाइट से जो पहले पहले वाली रात है 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 उससे पहले उसने कुछ भी नहीं खाया था ठीक वो वो हल्के से अपने जो स्टेप है, वो बढ़ाता है। कहां पर जो स्टेप बढ़ाता पर किनारा होता है हमारे लैज का वहां तक आता है और वहां पर है जो आकर के एक लेग पर खड़ा हो जाता है और दूसरे लेग को अपनी छिपा लेता है अपने विंग्स के नीचे अपनी पंखों के नीचे और क्या प्रिटेंड करता है कि अपने एक आंख को बंद कर लेता है और फिर दूसरी आंख को बंद कर लेता है एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो सो रहा है स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम और यहाँ तक कि इतना करने के बाद भी जो हमारा यंग सीगल था वो बड़ा ही चालक चतुर टाइप का आ, पक्षी था हमारा ठीक है वो क्या करता है कि अपने पेरेंट्स को दिखावा करने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ब्रिंक बिल्कुल किनारे तक आ जाता है उस लज के और वहाँ पर खड़ा होता है अपनी एक टांग के सहारे एक टांग को छिपा लेता है और दो आंखों को बंद करके प्रिटेंड करने की कोशिश करता है ताकि वो ये देखें कि ये सो रहा था ठीक है लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो उसकी फैमिली है वो उसको नोटिस नहीं करती है वो अपने भाई को अपने बहन को वहां पर देखते हैं प्लेट पर कि वो वहां पर है जो वो डोज कर रहे होते हैं वो वहां पर अपने जो है उन्होंने छिपाया हुआ होता है यानी कि दबाया हुआ होता है अपने नेक्स्ट के नीचे ठीक है वो सर जो वहां पर सो रहे थे फादर वॉज पिंग द फीडर्स ऑन हिज वाइट बैक और उसके जो फादर थे वो प्रियंग यानी कि कुछ है जो अपने जो फीडर्स थे उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे उनके जो पंख थे ठीक है जो पंख होते हैं जो बिल्कुल ही छोटे छोटे से होते हैं ठीक है वो उनको सही तरीके से जो मैंटेन करने की कोशिश कर रहे थे सही तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे थे उनके फादर ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम सिर्फ उनकी मदर थी जो उसको देख रही थी शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अर लिटल हाई हम ऑन द प्लेट्यू हर व्हाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड और कहाँ पर वो वहीं पर है जो है जो प्लेट्यू था जो हमारा पठार था उसके ऊपर है जो

द साइट ऑफ द फूड हिम और जो साइट थी वो जो दृश्य था वो जो खाने का दृश्य था क्योंकि वो पागल हो चुका था क्योंकि प्रीवियस नाइट से उसने कुछ भी नहीं खाया था तो वो बहुत ज्यादा भूखे मर रहा था तो उसको एकदम से पागल कर देता है हाउ ही लव्ड टू टी अ फूड दैट वे स्क्रैपिंग ही बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट और वो किस तरीके से कितना पसंद करता है उस चीज़ को है कि वो खाने के पीछे उसको ऐसे इस तरीके से फाड़ना फिर इस तरीके से अपने चोंच को जो रगड़ना ठीक है और वो सब बातें यानी कि वो उसको बहुत अच्छी लगती थी कि वो ऐसे इस तरीके से खाना खाया करता था गा 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 ही हर टू ब्रिंग हिम सम फूड वो चिल्लाता है ताकि वो उसके पास उसके जो मदर है वो कुछ खाना उसके लिए ले आए बैक बैकली uh, और वो भी वापस से उसको वही मतलब एक शॉइंग मैनर में उसको दिखाते हुए कि तुम कितने पागल हो कितने मूर्ख हो कि मैं तुम्हें खाना क्यों दूंगी ठीक है तो उसकी मदर उसको आंसर करती है पर ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली लेकिन वो उसको है जो बुलाता ही रहता है अपनी मदर को बोलता ही रहता है एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम और उसके कुछ एक मिनट के बाद वो एकदम से जो खुशी भरी आवाज़ है जो खुशी भरी चिल्लाहट है वो एकदम से देता है हिज मदर हैड अप अ पीस ऑफ अ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट उसकी मदर ने क्या किया कि जो फिश जो जो मछली का टुकड़ा था वो अपनी चोंच में दबाया और उठा करके वो अब उसके पास में जा रही थी ही लीड आउट और वो उसको देखता है कि उसकी मदर है जो उसके पास आ रही थी ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियर टू हिम टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस और वो उसको देखता है कि उसकी मदर किस तरीके से अपने जो बीक है उसमें वैसे हुए उस फिश के टुकड़े को उसके पास में आ रही थी तो वो एकदम से बड़ा पागल होकर के खुशी के मारे क्या करता है अपने जो पैर होते हैं जो फीट होते हैं वो रोक पर पटकना स्टार्ट कर देते हैं कि यस अब मुझे फाइनली जो खाना है वो मिलने वाला था क्योंकि क्योंकि जो उसकी मदर थी वो उसके पास आ गई थी और इसीलिए जो सीगल था वो भी ट्राई कर रहा था कि वो उसके मदर के बिल्कुल ही पास में पहुंच जाए बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टर हर विंग्स अमोशन लेस द पीसेज ऑफ अ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक लेकिन जैसे ही उसके मदर उसके ठीक पास में होती है उसके आने वाली होती है तो वो एकदम से स्टॉप हो जाती है एकदम से रुक जाती है अपने जो उसके जो विंग्स होते हैं वो मोशन लेस हो जाते हैं वो अब फड़फड़ा नहीं रहे थे और जो उसकी जो पीस का टुकड़ा था उसकी बीक में वो भी कहाँ हो जाता है उसकी बिल्कुल ही बीक तक था वो पहुँचने ही वाला था उसके पास में ठीक है यंग सीगल के पास में ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज़ वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैड वाई हंगर ही डाइड एट द फिश और एकदम से वो देखता है कि वो मदर इतना पास आने के बाद भी मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी और मुझे वो जो वो जो टुकड़ा उन्होंने अपनी बीक में उठाया हुआ था वो मुझे क्यों नहीं दे रही थी तो वो एकदम से वो जो साइट होता है ना उसको पागल कर देती है वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है मतलब लाउड ही फेल आउट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू स्पेस और एकदम से इस तरीके से चिल्लाते हुए वो एकदम से बाहर निकलता है फिर अंदर चला जाता है ठीक है देन मोनिस्टर्स टेररसिज हिम एंड हिज हार्ट टूड स्टिल और एकदम से वो जो मोनिस्टर्स जो टेरर था वो जो एक भयानक जो uh, डर था उसके दिल में उसको वापस से उसके हार्ट को है जो वो क्या कर लेता है सीज कर लेता है जकड़ लेता है और उसका जो हार्ट होता है एकदम से फिर से वो शांत हो जाता है

और फिर वो उसको कहां पे उसके स्टमक को टच करती है और उसके विंग्स को टच करती है टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर वो अपने जो उसके टिप्स होते हैं विंग्स के जो उसके पंख होते हैं उनको वो अब महसूस कर सकता था कि वो किस तरीके से हवा के हवा के विपरीत वो कट रहे थे वो ठीक है कि जैसे ही हवा बह रही थी हवा उसको पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी और वो किस तरीके से उड़ रहा था ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ ही वॉज सॉरिंग रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स अब वो बिल्कुल भी इस तरीके से जो जो उसने अपना हेड है वो नीचे नहीं किया वो उड़ रहा था वो अब गिरने वाला नहीं था ठीक है उसने फिर धीरे धीरे अपने पंखों को कभी वो बाहर निकालता कभी वो फिर से डाउनवर्ड्स अंदर कर लेता ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड अब वो और ज्यादा नहीं डर रहा था ही जस्ट फेल्ट अब बिट डिजी अब उसको थोड़ा सा बिल्कुल ही मतलब हल्की

चिल्ला करके वो उसको आंसर करते हैं देन हिज फादर फ्लू और हिम स्क्रीमिंग और तब चीखते हुए चिल्लाते हुए उसके फादर उसके पीछे पीछे उड़ना शुरू कर देते हैं ही सज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग अराउंड हिम कटविंग एंड बैंकिंग एंड एंड सॉरिंग एंड ड्राइविंग वो देखता है कि उसके जो भाई हैं उसके जो बहन है वो उसके आस में उड़ रहे हैं वो किस तरीके से जो कट कर रहे थे किस तरीके से उसको जो बैंक कर रहे थे उसको सॉर्ड कर रहे थे वो ड्राइव कर रहे थे तो हर चीज़ वो उनको करते हुए देखता है ठीक है लिविंग लाइक अ हॉर्स मतलब कि वो एक घोड़े की तरह किस तरीके से उछल कूद कर रहे थे किस तरीके से वह जो इधर उधर चल रहे थे उट दैट ही हैड नॉटेज बीन एबल टू फ्लाई और तब वो एकदम से भूल जाता है कि कभी उसको ना डरने का भी डर था ठीक है ना उड़ने का भी डर था कि वो डरता था ना कि मैं कहीं उड़ूंगा तो मेरे विंग्स मुझे स्पोर्ट नहीं करेंगे तो वो भूल जाता है इस अपने डर को कि कभी मुझे ये डर भी था एंड कमांडेड हिम सेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रिंगिंग श्री और फिर वो अपने आप का जो कमांड करता है अपने आपको ऑर्डर करता है कि जल्दी जल्दी मैं भी सोर करूँ जल्दी जल्दी कर्व करूँ ठीक है कट लगाऊँ मैं भी हवा में और इस तरीके से अपने आपको एनकरेज करता है He was near the sea now, flying straight over it. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ऑशियन अब वो बिल्कुल ही समुद्र के बिल्कुल ही पास में था वो सीधा उड़ रहा था वहां पर पे ठीक है वो बिल्कुल ही यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट था अब जो समुद्र था जो ऑसियन था वो उसके ठीक सामने था थाच इज मोइंग ओवर इट एंड बीक साइड वेज एंड केवड एम्यूजली ठीक है वो एकदम से देखता है कि जो जो ग्रीन कलर का जो समुद्र है जो हरा जिसमें हरियाली छाई हुई है वो समुद्र उसके ठीक नीचे फैला हुआ था पड़ा हुआ था और वो अपनी बीक को है, जो इधर से साइड से है, जो वो बड़े ही प्यार से मतलब उसको खुशी होते हुए कि वो अब उड़ रहा था वो उसको हिलाता है और उड़ते चले जाता है हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन ग्रीन फ्लोरिंग उसके जो ब्रदर्स थे उसके पेरेंट्स थे उसके सिस्टर्स थे वो कहां पर वो उस ग्रीन फ्लोरिंग समुद्र पर ओशन पर वहां उतर जाते हैं उसके ठीक सामने They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. कि उसके जो ब्रदर होते हैं उसके जो sisters होते हैं उसके जो parents होते हैं वो उसका जो बोलते हैं उसको encourage करते हैं कि आओ नीचे आओ और तुम कर सकते हो उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और फिर वो देखता है कि वो किस तरीके से अपने लेग्स को नीचे करके वो उतरता है और वो कहाँ पर वो जो ग्रीन सी था उसमें वो खड़ा हो जाता है वो महसूस करता है कि उसके जो लेग्स थी उसकी जो टांगे थी वो डूब रही थी उसके अंदर ठीक है वो डर जाता है और फिर क्या कोशिश करता है अटैम्प्ट करता है कि वो ऊपर की तरफ उड़ जाए अपने पंखों को फिर फ्लैप करता है फड़फड़ाता है बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट ट्राइज लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका था वो हार चुका था बहुत ज्यादा भूख की वजह से वो वीक हो चुका था एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज क्योंकि वो जो एक strange, वो जो अजीब सी एक्सरसाइज उसने की थी वो जो उड़ करके आया था इतने दूर से तो उसकी वजह से उसको थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी फिर सेंग इं टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टॉर्च इट एंड ही सेंक नो फर्दर ठीक है फिर धीरे धीरे उसके जो पूरी की पूरी जो लेग्स है वो उस ग्रीन सी में डूब जाती हैं उस समुद्र में उस ओशन में डूब जाती हैं और जो water होता है उसके belly तक आ जाता है उसके पेट तक आ जाता है और फिर वो महसूस करता है कि अब वो और ज्यादा नहीं डूब रहा था ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट वो इसके ऊपर तैर रहा था एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्ट्रिमिंग प्रेजिंग हिम एंड देर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रेप्स ऑफ डॉग फिश वो देख रहा था कि उसके आस पास उसके चारों तरफ उसकी फैमिली थी जो उसको एनकरेज कर रही थी उसको बोल रही थी कि वा वेरी गुड आपने बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से आप यहां पर पहुंच चुके हो और वो देख रहा था कि उसकी फैमिली उसको किस तरीके से चिल्ला करके उसको उसको प्रेस कर रही थी उसकी तारीफ कर रही थी और जो उसकी जो जो उसकी उसकी बीक थी अब वो चाहता था कि उसकी बीक्स में क्या आ जाए जो डॉग फिश है वो आ जाए ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट और इस तरीके से कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट है वो करने में कामयाब हो पाया था अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पर इसी में हम इसका सेकेंड पार्ट भी कम्प्लीट कर लेते हैं द ब्लैक एरोप्लेन द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट जो मून था वो कहाँ पर आ रहा था यानी कि ईस्ट की तरफ से जो वो उठ करके आ रहा था मीन्स ये इवनिंग का टाइम था बिहाइंड मी हाँ मेरे पीछे पीछे एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी और जो स्टार्स थे जो तारे थे वो आसमान में चमक रहे थे बिल्कुल ही साफ सुथरे मेरे सामने द वॉजन क्लाउड क्लाउड इन द स्काई किसी भी तरीके का कोई बादल मुझे आसमान में नज़र नहीं आ रहा था आई वॉज हैप्पी टू बी अ लॉन्ग हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड और मैं बहुत ही खुश था कि मैं यहाँ पर इस टाइम पर जब पूरी की पूरी जो कंट्री है वो सो रही थी मैं यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर यहाँ आसमान में अपनी जो उड़ान है वो भर रहा था ठीक है तो आई कौन है इसमें नरेटर है हमारा जो कि राइटर भी है आई वॉज फ्लाइंग बाई ऑल द डेकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड कि मैं फ्लाई कर रहा था मैं उड़ रहा था अपने ओल्ड डेकोटा ओल्ड डेकोटा ये हमारे एरोप्लेन का नाम है ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से ये उड़ रहे थे ये फ्रांस से वापस कहाँ जा रहे थे इंग्लैंड जा रहे थे अपने घर आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ टू बीग विद माई फैमिली कि ये अपने हॉलीडेज के बारे में ड्रीम कर रहे थे सपने ले रहे थे और किस तरीके से सोच रहे थे कि वो आगे जाकर के अपने फैमिली के साथ में अपनी जो हॉलीडेज हैं वो बिताने वाले हैं आई लुकड एट माई वॉच वन थर्टी इन द मॉर्निंग की मैंने अपनी घड़ी में देखा तो क्या बच चुका था वन थर्टी हो चुके थे मॉर्निंग के यानी कि सुबह के वन थर्टी हो चुके थे मिड नाइट के बाद की बात कर रहा है ये ठीक है आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून आई थॉट मैंने सोचा कि मुझे पैरिस कंट्रोल में जल्दी ही मैंने जो कॉल करनी चाहिए एज आई लुकड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन जैसे ही मैंने है जो अपने जो एरोप्लेन के नोज थी उसको देखा आई the द लाइट्स ऑफ big सिटी इन फ्रंट ऑफ मी मैंने क्या देखा कि जो बड़े बड़े जो लाइटें थी ठीक है सिटी के शहर की जो लाइटें थी वो मेरे ठीक सामने जग रही थी आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सैड मैंने अपनी रेडियो को ऑन किया और मैंने बोला पेरिस कंट्रोल डेकोटा डी एस जीरो डबल एट है कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा डी एस एरोप्लेन है जो जीरो एट एट है वो यहाँ पर है कैन यू हियर मी क्या आप मुझे सुन सकते हो आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और यहां पर खत्म कर देता है द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली और जो वॉइस थी उसने रेडियो से मुझे वापस से आंसर किया डी एस जीरो आई कैन हेयर यू कि डी एस जीरो हम आपको सुन सकते हैं यू ऑर टू टर्न डिग्री वेस्ट नाउ डी एस जीरो एट एट ओवर वो बोलता है कि अगर आप इनको इंग्लैंड जाना है तो आपको है जो ट्वेल्व डिग्री पे है जो आप, आपको वेस्ट की तरफ है जो वो टर्न करना चाहिए ठीक है आई चेक द मैप एंड द कम्पास मैंने अपना जो मैप था और जो कम्पास था मैंने चेक किया स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक मैंने अपना जो स्विच ओवर जो मेरा लास्ट और जो जो सेकेंड फ्यूल टैंक था मैंने उसको ऑन ऑन कर लिया एंड टर्न द डेकोटा ट्वेल्व डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड और क्या किया फिर मैं ट्वेल्व डिग्री पर घूम गया कहां पर इंग्लैंड की तरफ अल इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट वो सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर वहाँ पहुँच जाऊँगा आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट और मैं बहुत ही अच्छा जो अपना बहुत बड़े वाला जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है मैं वहाँ जा कर के करूंगा एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल इट वॉज एन ईजी फ्लाइट और सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था और ये जो फ्लाइट थी मेरे लिए बड़ी ही इजी थी पैरिस वॉज अबाउट वन फिफ्टी किलोमीटर्स बिहाइंड मी वैन आई सा द क्लाउड्स कि जो पैरिस था वो वन फिफ्टी किलोमीटर्स पीछे रह गया था मेरे से जब मैंने आसमान में जो क्लाउड्स हैं जो बादल हैं उनको देखा स्ट्रॉम क्लाउड्स वो कैसे थे तूफानी बादल थे दे वर ह्यूज वो बहुत बड़े बड़े थे लुक द लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई वो मुझे लग रहे थे कि जैसे वो एक बहुत बड़े एक ब्लैक माउंटेन के तरीके से थे ठीक है जो काला जो पर्वत है पहाड़ है उसके तरीके वो से मुझे लग रहे थे कि बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए थे आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम मुझे पता था कि मैं इनके ऊपर से जो आसमान में अब ज्यादा फ्लाई नहीं कर पाऊंगा एंड आई डिड नॉट हैव इनअ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड टू नॉर्थ और साउथ और मुझे यह भी पता था कि मेरे पास इन जो पर्याप्त मात्रा में मेरे पास जो फ्यूल है जो पेट्रोल है वो नहीं बचा हुआ था कि मैं यहाँ से हजो या नॉर्थ या साउथ की तरफ हजो इसको ले सकूँ अपने एरोप्लेन को आई हैव टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट मुझे लगा कि मुझे वापस से पेरिस चले जाना चाहिए बट आई वॉन्टेड टू गेट होम लेकिन मैं घर जाना चाहता था आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट लेकिन मुझे वो खाना खाना चाहता था मैं आल टेक द रिस्क मैं रिस्क को उठाऊंगा आई थॉट एंड फ्लू दैट ऑल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टोम मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल ही सीधे उड़ूंगा और मैं इस रिस्क को उठाऊंगा और अपने घर पहुंचूंगा और अपना जो ब्रेकफास्ट है मैं वो ज़रूर लूंगा ठीक है और इसलिए इसने क्या किया कि अपना जो ओल्ड डेकोटा था इसको सीधे कहाँ पर जो तूफान था उसके अंदर एंटर करा दिया इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वो जो सडनली ब्लैक और उस क्लाउड्स के अंदर उन बादलों के अंदर जो सारा कुछ था मुझे सिर्फ ब्लैक नज़र आया इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो रहा था कि मुझे आसमान से बाहर जो उन जो बादल हैं उनसे बाहर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था मैं अपने एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो ब्लैक क्लाउड्स थे उसके अंदर अब मैं एंटर कर चुका था और मुझे सिर्फ उन ब्लैक क्लाउड्स के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया द ओल्ड एरोप्लें जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर अब जो मेरा ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था उछल रहा था ट्विस्ट कर रहा था उस हवा में आई लुक्ड एट द कंपास मैंने कंपास को देखा आई कुड नॉट बिलीव मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाता अपनी आँखों पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ द कंपोस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड जो कम्पास था वो मेरा सिर्फ राउंड 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 घूमे ही जा रहा था इट वॉज डेड ये कम्प्लीटली खत्म हो चुका था इट वुड नॉट वर्क ये अब काम नहीं करता था द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी धीरे धीरे जो वो ख़त्म हो रहे थे आई ट्राइड द रेडियो मैंने रेडियो ट्राई किया पेरस कंट्रोल पेरस कंट्रोल कैन यू हियर मी देर वॉज नो आंसर कि मैंने बोला कि पैरस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो लेकिन कोई आंसर मेरे पास नहीं आया द रेडियो वॉज डेट टू जो रेडियो थी वो भी डेड हो चुकी थी आई हैड नो रेडियो नो कम्पास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज मेरे पास ना रेडियो थी ना कंपास था और अब मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर था आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉम मैं उस तूफान में खो चुका था ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियम ही तब मैंने क्या देखा कि जो ब्लैक क्लाउड्स थे जो बिल्कुल मेरे पास में थे आई सा अनदर एरोप्लेन मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स इसके पंखों पर किसी तरीके की कोई लाइट नहीं थी बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू में थ्रू द स्टॉम्स लेकिन उस तूफानी बादल में भी मैं इसको इस जो दूसरा एरोप्लेन था जो ब्लैक एरोप्लन था वो मुझे दिखाई दे रहा था मेरे पास से उड़ता हुआ आई कुड सी द पायलट्स फेस टूवर्ड्स में मैं जो पायलट का जो फेस था उसने जब मेरी तरफ देखा तो मैं उसके फेस को देख पाया आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे दूसरा पर्सन कोई नज़र आया ही लिफ्टेड वंस हैंड एंड वेव्ड उसने मेरी तरफ है जो इशारा किया अपने एक हाथ से फॉलो करने के लिए बोला और एकदम से वो आगे बहता चला गया फॉलो मी ही वो सेइंग फॉलो मी वो बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो ही नो दैट आई एम लॉस्ट वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ यहाँ पर आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी और मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प करने यहाँ पर आया है हिट हिज एरोप्लेन स्लॉली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो दैट आई वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम और उसने क्या किया उसने धीरे धीरे अपना जो एरोप्लेन जो था उसने नॉर्थ की तरफ घुमाया और मैंने भी उसके पीछे पीछे है जो अपना ओल्ड डेकोटा था वो उसके पीछे घुमाया ताकि मैं उसको ईजिल फॉलो कर पाऊँ आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दस ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड और मैं बड़ा ही खुश हो रहा था कि मैं एक आज्ञाकारी बालक की तरह मैं उस जो ब्लैक एरोप्लेन था उसको फॉलो करता जा रहा था उसके पीछे पीछे जा रहा था आफ्टर हाफ एन आर दस

टेन मिनट्स मोर कि अब मैंने चेक किया कि जो मेरा फ्यूल था जो मेरा इंजन था जो मेरा ईंधन था अब वो भी बिल्कुल ही खत्म होने वाला था जो सिर्फ पाँच या दस मिनट के ही लिए ही और चल सकता था आई was स्टार्टिंग टू फील frightened अगेन मैंने मुझे दोबारा जो डर लगना स्टार्ट हो गया था बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉम लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या है वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया वो एरोप्लेन और मैंने उसको उस क्लाउड में उसको उस स्टॉम में उसको फॉलो किया सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड स टू लॉन्ग स्टेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी और धीरे धीरे मैंने क्या किया कि मैंने देखना स्टार्ट हो गया मुझे नज़र आया कि मैं क्लाउड से बाहर निकल आया हूँ और मेरे सामने जो दो स्ट्रेट लाइन्स थी वो बिछी हुई थी ठीक है इट वॉज अ रन वे ये एक रन वे था एंड एयरपोर्ट एक एय्लेट एयरपोर्ट था एंड वो सेफ मैं बिल्कुल ही सेफ था आई टॉन्ट टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन मैंने कोशिश की कि मैं अपने उस फ्रेंड को देखूँ जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था बट द स्काई वॉज एम्पटी लेकिन आसमान कंप्लीटली एम्पटी था देर वॉज नथिंग दे कुछ भी वहाँ पर नहीं था द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन आई कुड नॉट सी इट एन वेयर जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था और मैंने उसको ट्राई किया ढूंढने का लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया आई लैंड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑल द डेकोट नियर एंड कंट्रो द कंट्रोल टावर आई वेंट एंड आस्क अ वूमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज आई वॉन्टेड टू से थैंक यू वो जाता है और वो बोलता है उसके पास जाता है कि वह कंट्रोल टावर के पास पहुँचता है और वहाँ पर एक लेडी बैठे हुए होते हैं तो उसको जाकर के पूछता है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन है है वो कहां पर चला गया है? मैं उसके पायलट को थैंक यू बोलना चाहता हूं। She at me very and then उसने मेरी तरफ बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से देखा और नो अदर एरोप्लेन फ्लाइंग टू नाइट कोई दूसरा एरोप्लेन आज नहीं उड़ रहा था यूर वो द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार अगर मैं रडार के थ्रू में देख पा रही थी तो आपका एरोप्लेन सिर्फ एक अकेला था जो इस रात को उड़ रहा था सो हु हेल्प मी टू अराइव दे आर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बिना मेरे कंपास के बिना मेरे रेडियो के और बिना मेरे आ, फ्यूल के वहाँ पर क्योंकि मेरे पास फ्यूल भी नहीं बचा हुआ था हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो जो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में पायलट था वो कौन था फ्लाइंग इन द स्टॉम विदाउट लाइट्स जो यहाँ पर इस तूफानी रात में उड़ रहा था बिना किसी लाइट्स के सो होप सो आपको ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये जो दोनों हमारे सिगल है और जो हमारा पायलट है वो सेफली पहुंच जाते हैं अपने अपने जो डेस्टिनेशन होता है वहां पर ठीक है सो होप सो डिफ्रेंट सो इट इज़ क्लियर टू यू इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच बाय बाय